हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू यूनिट बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन किन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल है वो क्लास 12 से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास भी होता है और BSc और MSc के भी ये टॉपिक्स हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स में हम नाम से ही क्लियर है। सबसे पहले हम इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं, बायो। तो बायो का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका लाइफ। तो आप लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें स्टडी करते हो वो आपकी बायोलॉजी कहलाती है। तो बायोलॉजी में आप दो जिंदगियों के बारे में पढ़ रहे होते हो, एक तो जानवरों की और एक प्लांट्स की। तो प्लांट्स की लाइफ के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड बॉटनी, और अगर आप जानवरों की लाइफ के बारे में स्टडी करते हो दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी। तो जूलॉजी में आप जानवरों की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में आप प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। उस जूलॉजी में आप सबसे बड़े जानवर इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो जूलॉजी में ही स्टडी किया जाता है। तो बायो की ब्रांचेस हो जाती हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो है बायो मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से या आपकी लाइफ साइकिल को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं, दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर आप बायो मॉलिक्यूल्स के डिस्कशन की बात करें तो बायो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स आपको बेसिकली पढ़ने होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स के बाद आपके पास आ जाते हैं इसमें प्रोटीन्स, इससे पहले आपके एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही प्रोटीन्स बनी होती हैं, तो एमिनो एसिड्स भी कह सकते हो, प्रोटीन्स भी कह सकते हो आप। दूसरे आपके आ जाते हैं एंजाइम्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो मेनली ये सारे के सारे आपके बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम एक एक करके आपको जनरल डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास है ये हमारा इसको लेकर के पार्ट वन बनाने वाले हैं। तो इस बार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जनरली हम लगभग सभी चीज़ों को जनरली डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इनको अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इनके बारे में एक जनरल आइडिया देने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली मैं डेफिनेशन जनरली बता दूं तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहली डेफिनेशन तो यही हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स आर बायो मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी तरीकों से आपकी लाइफ को, हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स वो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। तो दोज बायो मॉलिक्यूल्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन अवर बॉडी नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड और दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2O होल n, वेयर n 3 से बड़ा होना चाहिए, जनरली 3 to 8 बोला जाता है, 3 से लेकर के 8 तक होना चाहिए n की वैल्यू, क्योंकि अगर आप इस जनरल फॉर्मूले में n की जगह 1 लगाते हो तो ये जो आपका बनेगा C1H2O का होल 1 बनेगा, जो कि आप इसे आप CH2O कह सकते हो या बेसिकली आप HCHO कह सकते हो, जो कि आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, इसलिए n की वैल्यू जब आप 3 लगाते हो तभी ग्लिसरलडिहाइड टाइप का एक कार्बोहाइड्रेट आपका सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट बन पाता है। तो कम से कम 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको ऐड करने चाहिए तभी आपका कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएंगे। तो पहली डेफिनेशन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो बायो मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं या जिनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, और एन की जगह अगर आप 3 से स्टार्ट करते हो तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, कीटोन भी होते हैं और एल्कोहलिक ग्रुप भी होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बोला जाता है। दूसरी बात आती है आपके पास एमिनो एसिड्स की। तो पहला आपको जनरल वे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की गई, दूसरी हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं,
अमीनो एसिड्स भी बायोमोलिक्यूल हैं, और ऐसे बायोमोलिक्यूल जिसमें आपका एमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो आपके पास जिसमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो आपके अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, नाम से ही क्लियर है। तो आपके पास ये अमीनो एसिड्स हैं, जब अमीनो एसिड्स की बहुत सारी यूनिट जुड़ती चली जाती हैं तो जिस बॉन्ड के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन के आता है उसे आप पेप्टाइड्स कहते हैं। अगर वो पेप्टाइड 100 से ज़्यादा पेप्टाइड्स, यानी कि इसकी 100 से ज़्यादा यूनिट आपस में कंबाइन होकर के जो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती है, उन्हीं भाई साहब को प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स के जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपकी अमीनो एसिड्स ही होती हैं, बाकी डिटेलिंग बाद में करेंगे। आपके जो एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स भी आपके बायोमोलिक्यूल हैं, एज अ कैटलिस्ट ये यूज़ किए जाते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग जनरली कंपाउंड्स होते हैं, तो वो आपके बेसिकली एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं। एंजाइम्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर बात करेंगे। लिपिड्स भी आपके पास हमारे बायोलॉजिकल सेल्स वगैरह में बनते हैं, रहते हैं, और ये भी हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपके न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स जनरली डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड सुने होंगे आपने। तो न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली में तीन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, आपके नाइट्रोजनस बेस हो गए, फॉस्फेट्स हो गए और सुगर्स हो गई। जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर उसमें जो सुगर है वो राइबोज सुगर हो तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर उसमें डी ऑक्सीराइबोज शुगर हो तो डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अभी जो हमने डिस्कस किया है वो आपके पास बताया गया है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में किन किन के बारे में बेसिकली स्टडी करना होता है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो अभी हम जो डिटेलिंग करने वाले हैं वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले तो इसके नाम से ही क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना है, कार्बन और हाइड्रेट। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रेट से बने होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रेट से बने होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं, और यहाँ पर आपको बता दिया गया था n की वैल्यू 3 से लेकर के जनरली कहाँ तक लगाते हैं, 8 तक, क्योंकि 1 लगाएंगे तो वो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, 2 लगाएंगे तो भी वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा। अगर आपने 3 लगाया तो आपका ये कुछ इस तरीके का बनेगा, C3H6O3। अगर आप 3 लगाओगे तो आपका ये क्या बनेगा, C3 3 2 6 और H6 और O3 बन जाएगा, जो कि आपका ये बन जाएगा। इसमें आपके पास दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप चलते हैं, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मेन वाला और एक कीटोनिक ग्रुप। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और आपका, जैसे एक एग्जांपल ये मैंने लिखा है कार्बन वाला, देखो आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया होगा, ये आपका ग्लिसरलडिहाइड है और इस ग्लिसरलडिहाइड है, और आपका एक और एग्जाम्पल देखें तो आप इससे ये भी बना सकते हो, तो ये भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, कीटोनिक। तो अगर आपके पास n की जगह आपने 3 पुट किया है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो इसका नाम होता है n इक्वल टू 3 पुट करोगे फॉर्मूले में, n इक्वल टू 3 पुट करते हो आप, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O3। अगर आप n की जगह 3 पुट करोगे तो, n की जगह अगर आप 3 पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, दोनों का ही फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप इसका नाम क्या कहोगे, एल्डो ट्रायोज, और अगर आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप इसको क्या कह दोगे, कीटो ट्रायोज। अगर आप इनकी जगह 4 पुट करोगे तो C4H8O4, तो आपके पास एल्डो टेट्रोज, फिर 5 पुट करोगे एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, एल्डो ऑक्टोज, 8 तक लगाना था, एल्डो ऑक्टोज हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर 4 5 6 7 8 पुट करोगे और कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ तो कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज और कीटो ऑक्टोज हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ओज, ओज जो नाम के लास्ट में जो हम सफिक जोड़ रहे हैं OSE, वो OSE वर्ड भी कार्बोहाइड्रेट के लिए ही यूज़ किया जाता है।
तो जनरली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने OH ग्रुप हैं, दो OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है। यहाँ पर भी कितने OH ग्रुप हैं, दो OH ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। तो दो या दो से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और एक एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आप इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी आपका क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की तीन डेफिनेशन मैंने बता दी, तीन टाइप से डिफाइन कर लिया, और ओज सफिक्स भी जुड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इनको सुगर केमिस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इनमें जो कार्बोहाइड्रेट चलते हैं वो टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, इसलिए इन्हें सुगर्स भी कहते हैं या सुगर केमिस्ट्री भी कहते हैं। जिसने भी आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये माल्टोज वगैरह पढ़ते हो, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे टेस्ट में आपके मीठे होते हैं। एक आधे हैं जो आपके पास टेस्ट में मीठे नहीं होते, उन्हें नॉन सुगर्स बोला जाता है, और सुक्रोज तो आपकी मीठी होती है। और जो भी आपके पास बेसिकली, जैसे आपके पास आई थिंक फ्रक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे सुगर्स होते हैं। कुछ हैं माल्टोज भी, माल्टोज भी टेस्ट में मीठा ही माना जाता है, और रेफिनोज हो गया। तो इसमें आपके पास एक दो ही हैं जो टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, वो आपके आई थिंक लैक्टोज वाला जो है वो आपका नॉन सुगर्स की कैटेगरी में आता है, बाकी ज़्यादातर सुगर्स ही होती हैं, इसलिए उन्हें सुगर केमिस्ट्री या सुगर्स भी कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है। तो बेसिकली डेफिनेशन के साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बारे में और डिटेलिंग क्या करते हैं वो बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली टाइप्स की बात करें, डेफिनेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देख रहे हैं। तो पहला टाइप है आपका मोनोसैकेराइड्स, एक वर्ड यूज़ हुआ है सैकेराइड्स, तो सैकेराइड वर्ड भी जो यूज़ होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट के लिए ही यूज़ किया जाता है, मोनोसैकेराइड। सेकेंड वन इज ऑलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, या उनका हाइड्रोलिसिस करने पर छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें आपका मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। इसमें जनरली जो एग्जांपल चलते हैं आपके, चलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अच्छी बात ये है कि आपको बहुत याद नहीं रखना, तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ग्लिसरलडिहाइड भी इस कैटेगरी में आ सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों ही आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। तो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, या छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में वो ब्रेक नहीं होते हैं, उन्हें आपका मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। दूसरी बात आती है ऑलिगोसैकेराइड्स की। तो ऑलिगोसैकेराइड्स में वैसे तो आपके पास और भी टाइप चलते हैं, बट मेनली जो चल रहे होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं डाईसैकेराइड्स, डाईसैकेराइड्स और आपका ट्राईसैकेराइड्स, सैकेराइड। तो डाईसैकेराइड और ट्राईसैकेराइड की अगर हम बात करें, तो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 moles ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसैकेराइड्स के कितने मोल्स मिलते हैं, 2 moles मिलते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, डाईसैकेराइड्स कहते हैं। और अगर जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 moles मिलते हैं, 3 moles ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, उन्हें आप ट्राईसैकेराइड्स कहते हैं। इसमें जो डाईसैकेराइड्स के एग्जांपल चलते हैं वो आपका मेनली चलता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अच्छी बात ये है कि तीनों के फॉर्मूले C12H22O11 हैं, सेम फॉर्मूले हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। और ट्राईसैकेराइड में एक एग्जांपल चलता है रेफिनोज, एक एग्जांपल चलता है रेफिनोज, C18S32O16, 2 moles वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो मोनोसैकेराइड के 3 moles ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज देता है। पॉलीसैकेराइड्स में मेनली जो आपके चल रहे होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर N moles ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। मोनोसैकेराइड्स के कितने मोल्स मिलते हैं, N moles, N तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो N की बात है वो N की वैल्यू आपके पास कम से कम 10 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो अगर आपके पास जो पॉलीसेकेराइड है जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर n मोल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, जहां पर n की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपके पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। इसमें दो टाइप के एग्जांपल चल रहे होते हैं आपका, एक हो गया स्टार्च और दूसरा हो गया आपका सेल्यूलोज। तो स्टार्च और सेल्यूलोज मेनली ये दो चल रहे होते हैं और दोनों के फॉर्मूले जनरली C6H10O5 करके हम दे देते हैं। एन मोल्स ले लेंगे तो आपके एन मोल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स बना करके दे देगा। तो बेसिकली जितना कुछ है यही सब कार्बोहाइड्रेट है, बस आपको इन सबको एक्सप्लेन करना होता है, पर्टिकुलरली इनकी प्रिपरेशन मेथड और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्लेनेशन देंगे, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड। तो बाकी फ़िलहाल इस वीडियो को, पार्ट वन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।